गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी व्याकरण पुस्तक पंखुड़ी का पाठ 13 शब्द भंडार का अध्ययन करेंगे। इससे जो हमारा पूर्व वाला जो हमारा पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने शब्द भंडार जो हमारा पाठ 13 है उसके अंदर भाग 1 पर्यायवाची शब्द का अध्ययन किया था और आज हम इसके भाग 2 विलोम शब्द का अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि इसमें अलग अलग टॉपिक्स दे रखे हैं, उन सारे टॉपिक्स को मिलाकर एक वीडियो बनाना संभव नहीं है, इसलिए इसको अलग अलग भाग में बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले मैंने भाग 1 पर्यायवाची शब्द का अध्ययन कराया था और आज हम भाग 2 विलोम शब्द का अध्ययन करेंगे। ठीक है, विलोम शब्द क्या होते हैं आपको पता ही है। विलोम शब्द होते हैं विपरीत अर्थ देने वाला। ठीक है, जैसे रात का क्या होता है, दिन, ऊपर का नीचे, छोटा बड़ा, पतला मोटा, यानी कि जहाँ पर विपरीत अर्थ निकलता है वह विलोम शब्द कहलाता है। आप विलोम शब्द को बचपन से तो क्या कक्षा 2 या कक्षा 1 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन होता क्या है जैसे जैसे हम अपर क्लास में आते हैं तो उनका लेवल थोड़ा हाई होता चला जाता है। होती वही चीज़ें लेकिन उनका जो लेवल होता है वह अपर होता चला जाता है। ठीक है, तो आज हम हमारा टॉपिक है विलोम शब्द। कुछ शब्द एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ऐसे शब्द एक दूसरे का विपरीत या उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे चित्र दे रखा है आपको, एक बच्चा रो रहा है, एक बच्चा हंस रहा है। ठीक है, तो हंसना का क्या होगा, रोना। ऊंचा का होगा नीचा। ठीक है, तो पता चल गया होगा विलोम शब्द के बारे में। यहाँ हंसना और रोना तथा ऊंचा या नीचा शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसकी परिभाषा इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शब्द एक दूसरे का विपरीत या उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। ये परिभाषा है बच्चों, आपको इसको याद करना है। ठीक है, अब आपकी पुस्तक में नीचे कुछ विलोम शब्द दे रखे हैं, आपको इनको पढ़ना है, साथ ही साथ इनको याद भी करना है, क्योंकि विलोम शब्द काफ़ी सारे दे रखे हैं आपकी पुस्तक में, तो इनमें से कोई सा भी विलोम शब्द आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आपको सारे विलोम शब्द याद करने होंगे। ठीक है, अब आपकी पुस्तक में देखिए, एक तरफ शब्द दे रखे हैं, दूसरी तरफ विलोम शब्द दे रखे हैं उनके, तो ठीक है, हम वन बाई वन उनको मैं पढ़ती जाऊंगी, आप उनको सुनिए और साथ ही साथ आपको उनको याद भी करना है। ठीक है, सबसे पहले दे रखा है एक, एक का विलोम शब्द होगा अनेक। अपना का विलोम शब्द होगा पराया। अंत का होगा आदि। अंधेरा का विलोम शब्द होगा उजाला। उत्तीर्ण का विलोम शब्द होगा अनुत्तीर्ण। उपस्थित का विलोम शब्द होगा अनुपस्थित। खरीदना का विलोम शब्द होगा बेचना। खिलना का विलोम शब्द मुरझाना। कहना का विलोम शब्द सुनना। और गुण का विलोम शब्द होगा अवगुण। ताजा का विलोम शब्द होगा बासी। फिर है आदान। आदान यानी कि आदान प्रदान करते हैं ना अपन, ये शब्द आपने कई बार सुना होगा, तो आदान का विलोम शब्द होता है प्रदान करना। उत्तर का विलोम शब्द है प्रश्न। आकाश का विलोम शब्द पाताल। उचित का विलोम शब्द अनुचित। रोगी का विलोम शब्द है निरोगी। प्रशंसा का विलोम शब्द है निंदा करना। प्राचीन यानी कि पुराना, नवीन यानी कि नया, तो प्राचीन का विलोम शब्द होगा नवीन। प्रातः यानी कि मॉर्निंग और साय यानी कि इवनिंग, तो प्रातः का विलोम शब्द क्या होगा, साय। बढ़ना का विलोम शब्द होगा घटना। भारी का विलोम शब्द होगा हल्का। और महंगा का विलोम शब्द होगा सस्ता। ठीक है बच्चों, आपकी पुस्तक में ये ही विलोम शब्द दे रखे थे, आपको इनको एक एक करके याद करना है। ठीक है, ईजिली लर्न हो जाते हैं, कोई हार्ड नहीं है, ये बहुत ईजी से हैं, क्योंकि कई वर्ड्स तो ऐसे होते हैं जो हमारे डेली रूटीन में या हम उनको डेली सुनते हैं। ठीक है, तो इनको इनको लर्न करना इतना टिपिकल नहीं है। ठीक है, अब हम थोड़ा दोहरा लेते हैं, दोहराने में कुछ ज़्यादा नहीं दे रखा, ओनली विलोम शब्द की परिभाषा दे रखी है। एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, जो विपरीत अर्थ बता रहा है वही उसका विलोम शब्द होगा। जैसे लंबा छोटा, काला गोरा, मीठा कड़वा। ठीक है, तो बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके विपरीत अर्थ निकलते हैं। ठीक है, तो उनको ही हम विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट में हो रहा था, इसको थोड़ा मैंने आपको डिटेल में बताने के लिए आपकी जो कि बैक एक्सरसाइज है उसको भी ले लिया है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले दे रखा है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। ठीक है, तो आकाश को आपका विलोम शब्द पता ही होगा, आकाश का विलोम शब्द होता है पाताल।
अंधेरा का विलोम शब्द होता है उजाला, विजय का विलोम शब्द होता है पराजय, असली का विलोम शब्द होता है नकली, और पाप का विलोम शब्द होता है पुण्य। ठीक है, तो एक्सरसाइज का ये क नंबर का था, इसको आपको अपनी बुक में फिल करना है। आगे है कि निम्नलिखित शब्दों का उनके सही विलोम शब्द से मिलान कीजिए। ठीक है, तो जैसे महंगा, स्वाधीन, पक्का, उत्तीर्ण, गुण, एक तरफ इनका ये नाम दे रखे हैं, दूसरी तरफ दे रखे हैं कच्चा, अनुत्तीर्ण, अवगुण, सस्ता, पराधीन। अब ये एक दूसरे के विलोम शब्द दे रखे हैं आमने सामने, लेकिन क्या उनको उल्टा सीधा कर रखा है, हमें इनको मैच करना है। ठीक है, कि किसका क्या विलोम शब्द होगा। जैसे महंगा, महंगा का विलोम शब्द क्या होगा, सस्ता होगा। स्वाधीन का विलोम शब्द होगा पराधीन। पक्का का विलोम शब्द होगा कच्चा। उत्तीर्ण का विलोम शब्द होगा अनुत्तीर्ण। और गुण का विलोम शब्द होगा अवगुण। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया आपको, तो आप अपनी बुक में इनको कर लीजिएगा। अब आता है निम्नलिखित शब्दों के सही विलोम शब्द के सामने राइट का उस पर टिक मार्क का चिन्ह लगाना है। ठीक है, अब पहला शब्द दे रखा है उन्नति, और उसके आगे दो वर्ड दे रखे हैं अवनति और परनति। अब उन्नति का विलोम शब्द क्या होगा, परनति होगा या अवनति होगा, थोड़ा सा आप गैस करिए। तो उन्नति का विलोम शब्द होगा अवनति। ठीक है, अपना सेकंड वर्ड है सरस, सॉरी सरल। सरल का क्या होगा, कठिन या असरल। असरल नहीं होता है, सरल का विलोम शब्द जो होता है वह होता है कठिन, क्योंकि असरल कोई वर्ड नहीं है। फिर आता है सुगंध, सुगंध का क्या होगा, खुशबू या दुर्गंध। तो खुशबू तो हो ही नहीं सकता, सुगंध का मतलब ही खुशबू होता है, लेकिन हमें इसका क्या लिखना है, विलोम शब्द लिखना है। तो सुगंध का विलोम शब्द होगा दुर्गंध, यानी कि बदबू। फिर आता है सख्त, तो सख्त का विलोम शब्द क्या होगा, नर्म या असख्त। तो सख्त का विलोम शब्द होगा नर्म। ठीक है बच्चों, तो आपका पाठ ये यही समाप्त हो जाता है। आपका जो वर्क है वो आपके पीडीएफ में आएगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ के जरिए आएगा। आपको अपने वर्क को सुंदर और स्वच्छ राइटिंग में करना है। मैं पहले कई जो अपने प्रीवियस वीडियोज थे उनमें बता चुकी हूँ कि आपको हिंदी की और उसकी कॉपी अलग नहीं बनानी थी, ग्रामर की कॉपी जो पोर्शन आपने बनाया है उस पर आपको ओनली क्वेश्चन आंसर ही करने हैं, बाकी की जो वैक एक्सरसाइज होती है वो आपको आपकी बुक में ही फिल करनी है। ठीक है बच्चों, साथ के साथ जो भी वर्क आ रहा है आपको उसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, और साथ के साथ जो भी वर्क है आपको उसको याद भी करना है। ठीक है बच्चों, आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।